हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल न्यू फ्रेश एपिसोड ऑफ नमस्ते व्हील्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रत्यूष और आज आपके लिए लेकर आया हूं हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक वेरिएंट, यानी कि हीरो स्प्लेंडर प्लस का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जो कि हाल ही में हीरो ने लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में। काफी एडवांस फीचर्स के साथ अब हीरो स्प्लेंडर प्लस आ जाती है। आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, LED DRL मिल जाएगा, साथ ही में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, i3s टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो प्राइसिंग में चेंजमेंट आया है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो सबसे पहले गाड़ी की प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 74,500 रुपीज, यानी कि 74,500 रुपए। RTO इंश्योरेंस और पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद कंप्लीट गाड़ी ऑन रोड आपको तकरीबन 92,200 रुपीज की पड़ जाती है। एसेसरीज आपको अलग से लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2-3 हजार रुपए पे करना पड़ेगा, जिसके कारण जो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है वो आपको 95,000 रुपए तक पे करना पड़ सकता है। अगर इसके फ्रंट टायर साइज की बात करें तो आपको फ्रंट में 80x100 का R18 यानी कि 18 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगी। साइलेंसर जो है आपका मैट फिनिश में, हालांकि इसमें आपको क्रोम जो है क्रोम मफलर या कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल होकर देखने को मिलता है, जिसके कारण जो लुक है वो और ज्यादा एनहांसिंग आता है। बाकी रेड और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही में मेरे हिसाब से इस कलर स्कीम के साथ जो गाड़ी का लुक है और भी ज्यादा एनहांसिंग हो गया है। बाकी आपको इस साइड में जैसे कि देख पा रहे होंगे लेडीज लेग गार्ड विद फुटरेस्ट कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। बाकी गाड़ी के मॉडल में डिजाइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, सेम वैसा ही है जैसे कि आपको पुराना देखने को मिलता था। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर बात करें तो 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो आपको लॉन्ग ड्यूटी राइड्स में भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो कि गाड़ी का माइलेज है वो काफी अच्छा है, तकरीबन आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको प्रोवाइड करा देती है। मीटर कंसोल की बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अब हीरो की जितनी भी एक्सटेक वेरिएंट है आपको उसमें यही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको USB चार्जर देखने को मिल जाता है, तो ऑन द गो आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकेंगे। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एयर ऑयल कूल 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHT इंजन देखने को मिलता है 100cc का, जो कि तकरीबन 8.2 PS की पावर जनरेट करता है 8000 RPM पर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6000 RPM पर। 4-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, i3s टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, फ्यूल इंजेक्टर टेक्नोलॉजी वाला पेट्रोल इंजन है, इसके कारण जो गाड़ी का माइलेज है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। बाकी सीटिंग की बात करें तो कुछ इस तरह की यूनिबॉडी सीट है, जिसके कारण आपको काफी आरामदायक राइड प्रोवाइड कराई जाएगी। राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफी ज्यादा आपको आरामदायक राइड प्रोवाइड कराई जाएगी। हालांकि मेरे हिसाब से जो गाड़ी का बाकी ओवरऑल जो डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंजमेंट लाना चाहिए था एक्सेक वेरिएंट में। सेम सारे डिजाइन है सारे मॉडल्स के, इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। बाकी ओवरऑल जो गाड़ी का रियर प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। अब जो आपको टर्न इंडिकेटर है वो क्लियर लेंस टाइप देखने को मिलते हैं, बल सेटअप नहीं है। पीछे अगर रियर टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको सेम देखने को मिलती है 80x100 की R18 यानी कि 18 इंच का आपको जो है ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडियर टायर देखने को मिल जाता है। फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। बाकी की स्टार्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप इसको मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हीरो कनेक्ट के थ्रू, यानी कि गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये गाड़ी, साथ ही में मेरा क्विक रिव्यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।